नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं। खेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत सत्यदेव कटारे ने आज का जनसंपर्क मां पावई वाली की पूजा अर्चना कर शुरू किया। आज सुबह श्री कटारे निज निवास से निकलकर पावई पहुंचे, जहां उन्होंने मां पावई की पूजा अर्चना कर अपना जनसंपर्क शुरू किया। मां पावई वाली पर कार्यक्रम में पावई की जनता ने उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप वोट की अपील की। आज के कार्यक्रम पावई, वीरगवां, कुशवाहापुर, ठाकुरों का पूरा, ब्राह्मण का पूरा, आदर्श, आनंदपुरा, नयापुरा, पाली, दिखतनपुरा, मिशनपुरा, बिछौली, हरजारपुरा, इमलहेड़ा, सेमरपुरा, पिडोरा में जनता से आशीर्वाद लिया। यदि इसके बाद भी किसी की आंख नहीं खुल गई, यदि इसके बाद भी कोई लोक में रुका हुआ है, तो ये मान लो वो अजय का भला नहीं चाहता, वो अजय का भविष्य नहीं चाहता है, उसको अजय की जनता से मतलब ही नहीं है, वो तो उसके मामला स्वार्थी, या तो वो अपने काम बता सके। यहाँ 5 साल की भाजपा की सरकार में ये उपलब्धियां थी, कुछ चीज हुई, कोई कहने लायक, लोगों से निगाह मिलाने लायक कोई बात बता सके, कुछ काम नहीं हुआ। 5 साल में सिवाय लूटे कुछ नहीं हुआ, और आपने बताए कितनी प्रकार की लूटे बताई रही, नए नए तरह के टैक्स लगते हैं, रोजे हर गाँव में जाते एक दो नए तरह के टैक्स निकल आते हैं गाँव गाँव में। पीडीएस, गरीबों का जो पीडीएस है उसको लूट लिया, उसको 3-3 महीने का निकाला और 1 महीने का दिया। आप बात करो खाद, हमारे किसान 70-80% किसानों का क्षेत्र है हमारा अटेल विधानसभा, किसानों की खाद नहीं मिली, वही खाद काला बाजारी करके उत्तर प्रदेश में इटावा में जाके बेच रहे हैं अपने गृह जिले में, जबकि मंत्री खुद खाद उगा के है। कोई भी चीज आप ले लो, चाहे यहाँ से आप थाने गए हो, चाहे यहाँ से आप तहसील गए हो, कोई भी छोटा काम हो, कोई भी चीज हो, बिना पैसे के कहीं कोई सुनवाई हुई क्या किसी की, बताओ, बिना पैसे के कहीं सुनवाई हो रही है क्या? तो इतनी बुरी दुर्गति कर ली अटल जी ने, मेरे हिसाब से मैं तो माता रानी के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, वो झूठे बोल रहा, कि जितनी मेरे इस 5 साल में जितना भ्रष्टाचार मैंने अपनी आंखों से सामने देखा, इतना मेरे जीवन में कभी नहीं देखा, ना और विधानसभा में ना अटल को कभी कल्पना करेगी।